आना है, ऑलमोस्ट रिलीजिंग होने पे आए, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसको लेकर, तो क्या कुछ कहने जाएंगे और कहाँ रिलीज होने वाला है? इस सॉन्ग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत प्यारा सॉन्ग है और इसकी गाने, इसका म्यूज़िक बहुत ही प्यारा है, और इसे शूट करते वक्त और काम करते वक्त हमने मतलब इतना अच्छा फील किया और बहुत अच्छा फील करके इसको हमने काम किया है। अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है और मुझे इस सॉन्ग करने में बहुत मज़ा आया है। हमारे प्रोड्यूसर ही इसके सिंगर हैं और उन्होंने ही राइटिंग किया है, तो बहुत ही अच्छा प्यारा सॉन्ग है और ये रिलीज़ रेड रिबिन म्यूज़िक कंपनी में हो रहा है और हमारे प्रोड्यूसर की कल मीटिंग है उस कंपनी में, तो कल पता चल जाएगा कि कितनी जल्दी इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको तो पता ही चल ही जाएगा। राहुल भाई आप बताइए। थोड़ा ओल्ड टाइप का सॉन्ग है बट वेरी नाइस। एक काफ़ी सालों के बाद, एक मतलब 20 साल पहले जो फील होता था गाना सुनने के बाद, वो सॉन्ग आज का और 20 साल पहले का मिक्सअप है, बट वेरी नाइस, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। और हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर राजेंद्र सोनी ने इसको सिंगिंग किया हुआ है, उन्होंने शायद लिरिक्स भी उन्हीं का है, और ये बहुत जल्दी जो है रेड रिबिन म्यूज़िक कंपनी है, रिस्पेक्टेबल कंपनी है, वहाँ से रिलीज हो रही है और बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगा। और हाँ, शूट के दरमियान हमारे जो मास्टर जी है मिस्टर एग्नेस मैम, उन्होंने हमें बहुत एंजॉयमेंट के साथ हमसे शूट करवाया और हम लोगों ने बहुत बहुत मज़े के साथ बहुत एंजॉयमेंट करके काम किया, और हमें सुबह से शाम हो गया हमें काम करते, ऐसा बॉडी कहीं पेन या थकान कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पैनिक हो रहे हैं कि हमें काम नहीं करना है, अभी पैकअप होना चाहिए, बट वेरी फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ा आया मुझे। जब गाना शूट हो रहा था तो आप दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा था, क्योंकि मेलोडी गाना है थोड़ा, तो कोऑर्डिनेशन कैसा था एक दूसरे को? नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि एक लड़का आया और एक लड़की को कब से ताड़ रहा है, देख रहा है, और एक अंतरा और एक मुखड़ा खत्म होते होते प्यार हो गया। एक्चुअली गाने का जो फील था वो एक्चुअली रियलिटी में धीरे धीरे चेंज हो रहा था, अगर मैडम ने 3 दिन का अगर शूट रखा होता तो शायद रियल में प्यार हो जाता ऐसा था। वेरी नाइस, बहुत इन्जॉय किया हमने गाने को, मतलब उसको फील करके किया हमने, ऐसे मतलब ऐसा लगा कि सचमुच हम एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, ऐसा ऐसी फीलिंग्स आई उससे करते वक्त। और इस सॉन्ग का जो है ना, एक जैसे कि हम लोगों ने उसमें जो कॉस्ट्यूम मैडम ने डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे लाइक जीतू पाजी उस टाइप का, जैसे एक सॉन्ग था अपना सजनी पे दिल आ गया, तो उस टाइप का कॉस्ट्यूम्स वगैरह था, और एक बहुत ही मतलब एक डिफरेंट मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा। चलिए अंत में दोनों बताइए अपने फ्रेंड्स ऑडियंस को इस गाने के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए सॉन्ग हमारे हैं बेशक, हम यही बोलेंगे कि सब लोग देखो, और हमें बहुत आनंद आया सॉन्ग करते समय और गाना सुनते समय, तो आप लोगों को भी आएगा। बट हाँ, ये सॉन्ग जो है हमारा दिन में कहीं बजे या ना बजे, लेकिन शाम को महखाने में ज़रूर बजेगा, इस बात की तो गारंटी है। तो मेरे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने मोबाइल पर सिर्फ एक बार अपना कीमती वक्त में से 5 मिनट निकाल के हमारे सॉन्ग को देखिए, ताकि उसको उसका आनंद आपको भी मिले और हमें भी मिले। थैंक यू सो मच। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये गाना बहुत प्यारा है, जितना हमें करने में मज़ा आया है उतना आपको सुनने में मज़ा आएगा, और वाकई में इसके जो वर्डिंग है और जो लिखा गया है बहुत दिल से लिखा गया है, और आपको मतलब ये सुनने के बाद पुराने गाने जो आज ऑडियंस ढूंढती है, पुराने गाने जो मिलता नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार ज़रूर ये गाना सुनिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें ना एक फील है सॉन्ग के अंदर, एक फील है, एक जैसे कि ऐसा लगता है कि यार हम मतलब हल्का हल्का बारिश हो और एक कहते हैं बेईमान मौसम हो, तो ये जस्ट लाइक आप सुबह निकल जाओ इस सॉन्ग को, आप कार में सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, एक रोमांटिक बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत मज़ा आया करने में। थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका गाना ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, हम जानना चाहेंगे कि गाना आपका कब और कहाँ किस प्लेटफॉर्म में रिलीज होने वाला है? ये गाना कंप्लीट हो गया और ये गाना शायद कल हमारा अग्रीमेंट हो जाएगा, ये रेड रिबन कंपनी से लॉन्च हो रहा है। गाने को लेके, गाने को रिलीज करने के लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गाना इतना अच्छा है, बहुत सालों बाद ये गाना अच्छा एक मेलोडी गाना सुनने को मिलेगा, और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी रिलीज हो, लोगों तक जाए, उसको ये खूब पसंद करा जाए, और ये बहुत बढ़िया गाना है। ये गाने के बाद आगे कोई प्लान है कोई गाने का?
प्लान तो चलता ही रहेगा जी, अब रुकने वाले थोड़ी अब चालू होगी तो चलते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप सिंगर भी हो प्रोड्यूसर भी हो, सर बताएंगे सर कैसे गाना गायन में आया, गाया भी आपने ही है, सुन के लग रहा नहीं कि आपने गाया है, अभी यकीन नहीं हो रहा। नहीं ही यकीन नहीं गाया है मैंने। जिसकी तलाश थी वही मेरा प्यार मिल गया, जिसकी तलाश थी वही मेरा यार मिल गया। लिखा भी आपने से गाना? हाँ लिखा भी मैंने, कहीं ना कहीं ये जवानी का दोस्त तो था वो आपने निकल आया है। इसमें जवानी वाली बात नहीं, इसमें एक लाइन है शुरू की लाइन है जो मुखड़ा इसका जिसकी तलाश थी जी, तो मैं सोचता हूँ कि हर आदमी को किसी ना किसी की तलाश होती है, किसी की पूरी होती है किसी की नहीं होती, लेकिन मेरी तो मैं सच कहूँ मेरी तो तलाश पूरी होगी मुझे वो, मैं आगे एक बहन मिली एग्नेस मैम और उनकी वजह से मैं इस गाने में इंटरेस्टेड हुआ, मुझे गाना बन के कम्प्लीट हो गया और भगवान ने चाहते हुए हिट गाना। इसके आगे भी और तलाश है मतलब कुछ है गाने की, सेकंड परफॉर्मेंस लिखे हो आपने बताए हो? हाँ जी, इसके आगे और तो दिखा है गाना वगैरह कुछ करने वाला प्लान से या फिल्म करने वाले हो क्या प्लान से? हाँ आगे दस हजार जीवन वालों ने कहा कि आप एक हरियाणवी सॉन्ग लाओ, तो मैं अगला सॉन्ग जो कर शायद आएगा लिख लियो कंप्यूटर पे उसका। हाँ मैं जाके अब तैयार पे लग जाऊँगा मैं, वहाँ एडजस्टमेंट है कि नहीं है जाने के लिए? जो भी काम करूँगा इनके साथ करूँगा, और ये गाना ये समझ लो कि एक गर्म हवाओं के बीच में एक ठंडी हवा का झोंका है। हाँ और जो भी सुनेगा उसको आनंद आएगा और बहुत दिनों बाद ये कम्युनिटी गाना सुनने को मिलेगा। एक्चुअली जब मैं ये गाना सुना था, राजेंद्र सोनी जी ने मुझे ये गाना सुनाया था, मेरे प्रोड्यूसर और सिंगर और राइटर, तो उनको मेरे पे विश्वास आया कि नहीं मुझे एग्नेस मैम के साथ ही काम करना है, उन्होंने ये गाना मुझे दिया और इस गाने को मैं पिक्चराइज करने के लिए हमने रिहर्सल किया, तो राहुल जी और कर्णिका को दोनों को मैंने मेरे ध्यान में रख के ये गाना मैंने उनके ऊपर कोरियोग्राफी किया, और मेरे हस्बैंड है ना मिस्टर रॉनी हैमिल्टन, तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, और मेरे भूषण जो है वो भी एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी है, वो भी मुझे बहुत साथ दिया, तो मेरे पूरे टीम ने साथ दिया, तो ये गाना मैंने बहुत अच्छा रोमांटिक के लिए राहुल जी और कर्णिका के साथ किया है। बहुत अच्छा माहौल था, वो लोग मेरे बेटा और बेटी है दोनों, माँ मानते हैं मुझे, बट दोनों ने कॉपरेट हर चीज़ में कॉपरेट किया उन्होंने, तो मुझे मज़ा आया उनके साथ काम करने। आप सरोज खान जी के साथ में भी रह चुकी हो, तो ऐसा कुछ झलक मिलने की गाने का नहीं मिलेगा? हाँ मैं सरोज खान के साथ 15 साल से थी, और सारे माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, सलमान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, कौन कौन ने, अमिताभ बच्चन जी, सबके साथ काम किया, कमला हसन के साथ काम किया, रजनीकांत के साथ काम किया, तो गोविंदा जी के साथ, सबके साथ मैंने काम किया, और मास्टर जी तो मुझे बहुत, मैं मास्टर जी की फेवरेट थी और हर शूटिंग में मैं होती थी उनके साथ, तो वो जो झलकी है उनकी जो अदाएं और उनकी अदाएं और उनकी झलक मेरे में है इस गाने में भी दिखाई देगी? यस दिखाई देगी। कब रिलीज होने वाला गाना और कहां? ये सनी करके एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिन्होंने मुझे रेड रिबिन में लेके गया, रेड रिबिन चैनल जो काफ़ी अच्छा नाम है, तो उनसे मुझे मिलाया, उनको मैंने ये गाना सुनाया है, तो उनके साथ मेरा कल एग्रीमेंट है, तो मैं रेड रिबन के लिए भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये गाना उन्होंने लिया है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।